आप हवा में समाप्त कर निकल पड़े अपना केक उठाने, क्योंकि मैंने पापा के लिए केक ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि आज है फादर्स डे। तो मेरे पापा को हैप्पी फादर्स डे। आप भी अपने सब पापा को हैप्पी फादर्स डे विश कर देना। वैसे कर दिया होगा क्योंकि ये ब्लॉग तो बहुत लेट आएगा ना। ठीक है गाइस, और इसके बाद मैं केक लेके जा रही हूँ घर, क्योंकि वहाँ पर मेरा अच्छा अच्छा खाना प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि मैं जाके अब खाना खाऊँगी ना। मम्मी पापा, मैंने सुना भटूरे छोले आए हैं और पता नहीं क्या क्या है, चाट पापड़ी, ब्रेड पकौड़े, आलू वाले, सेवियाँ, मिठाई, बहुत कुछ है गाइस। बाद में मेन्यू दिखाऊंगी। बाय गाइस। आई हैव कलेक्टेड द केक। दिस इज द केक, बेस्ट डैड एवर चीज केक। बाय गाइस। इसमें घर आ गई और लाइट नहीं है, लाइट ठीक हो रही है, इन्वर्टर चल रहा है, और ये मेरा भाई यहाँ पे हाफ रहे, इसे गर्मी लग रही है। और अब मैं खा रही हूँ छोले भटूरे, क्योंकि मम्मी पापा छोले भटूरे लाए थे, अब मैं वो खाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सब खाने को नहीं मिलता। Here is our cake, best dad ever. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Papa. Thank you. Happy Father's Day. Papa को खिलाओ। Papa को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं। मैंने थोड़ा सा खाना, बस। गाइस, ये मेरा सामने साथ लेने जाने वाला सामान। हैप्पी फादर्स डे टू, थैंक यू बच्चों, आजा। सो गाइस, अब मैं घर जा रही हूँ सामान अपना कलेक्ट करके। मेरी बहन ऐसी अपनी शक्ल दिखाती है, क्या करूँ। और ये मम्मी पापा मेरा सामान ढो रहे हैं, सामान ढो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बेबो को खाना देने। गाइस गाइस, और ये मेरा भाई। हेलो गाइस, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। द नेक्स्ट डे इट इज फाइनली रेनिंग एंड मिस्टर तनवर इज क्लीनिंग हिज बाइसाइकिल एंड माइन एज वेल, व्हिच आई डोंट लाइक एनीमोर। और आज बहुत दिनों के बाद बारिश हुई गाइस, और इतनी तेज तो बहुत मुश्किल से। और अब हम जिम जा रहे हैं, मैंने खाना बना लिया, अब हम जिम जाएंगे। जबरदस्ती जाना पड़ता है जबरदस्ती, क्योंकि अपनी मर्जी के अगर इस चीज़ें करने को सीख गए। अब जिम जाएंगे, और बाहर गवर्नमेंट के मैसेज आए कि थंडर स्टॉर्म होगा, लाइटनिंग होगी, घर पे रहो। बट मिस्टर तनवर को तो रिस्क लेने में ही मजा आता है। The next day. वो सब्सक्राइब कर देना और मुझे भी। और यहाँ पे संता और मेघा आए हुए हैं मेरे लिए खाना लेकर, और समोसे, हमने समोसे खा लिए गाइस। बाय गाइस, सी यू टुमारो। The next day. Hi guys, so अभी हम आए, we are Punjab Mall में, क्योंकि वैभव को शॉपिंग करनी है बाली के लिए। मैंने अपनी सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट ऑनलाइन कर ली, वैभव ने कुछ नहीं खरीदा,
बिकॉज वैभव हमेशा ऑफिस वियर कपड़े खरीदते हैं, तो अब हम H&M जा रहे हैं शॉपिंग करने। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, वी आर जस्ट हियर इन मार्क्स एंड स्पेंसर, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। वी वेंट टू H&M एंड फॉरएवर 21, बट देयर वाज नथिंग इन द नेम ऑफ सेल, एंड ऑल्सो देयर वर नॉट सो मेनी आर्टिकल्स, सो हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा। लेट्स सी क्या करना है। हील्स पहन के आई थी और मैं थक चुकी हूँ चल चल कर। अभी तक हमने सिर्फ वैभव के 3 सामान खरीदे हैं, वो भी ऊपर के, नीचे का कोई सामान नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है गाइस, सामान ही नहीं मिलता, क्या करें, हमारी चॉइस ही ऐसी है, सामान ही नहीं मिलता। सो गाइस, हमने शॉपिंग कर ली जितनी हुई और अब हम आए हैं KFC पे खाना खाने के लिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था हमारी हर डिसीजन की तरह। और यहाँ का AC नहीं चल रहा है गाइस। Anwar is all tired waiting for his paneer singer. And this is my new bag worthy. Here is our order and here is the hungry man. The next day. Guys, welcome to another day. तो आज हम लोग जा रहे हैं शिमला। तो शिमला जाने से पहले I had to go to salon. I got my hair blow dried. Then I got my nails done. दिख रहे हैं आपको, अभी दिखाती हूँ ना, मैंने पेस्टल फ्रेंच नेल्स कराए हैं, मतलब थोड़े डिफरेंट कलर के। तो अब हम लोग शिमला जाने वाले हैं, हमने फटाफट से पैकिंग कर ली है, बस अब हम निकलेंगे। अभी वह को अपना हेयर कट कराना है रास्ते में, तो वो कराएंगे फिर हम चले जाएंगे। और बाहर बादल वाला मौसम है और शिमला में तो बारिश शुरू होगी, तो हम आपको रास्ते में जाके मिलते हैं। और बहुत भूख भी लग रही है, सुबह सिर्फ प्याज के परांठे खाए बस, क्योंकि तब भूख नहीं लग रही थी, अब भूख लग रही है, तो मैं स्नैक्स भर लेती हूँ जो जो हमारे पास पड़े। बाय गाइस। और क्लोथ्स पहन के जा रहा हूँ गाइस, बेसिक, क्योंकि ट्रैवल करना गाइस, इसलिए पीस आउट। मैंने SNC नेल्स करवाए हैं, लव इट लव इट लव इट। जूम फोकस गाइस, फोकस फोकस, न्यूरल लाइट नहीं पड़ रही गाइस, अब देखेंगे आपको। गाइज, हम घर से निकल चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी में बहुत सारा सामान भर लिया है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है। और अब हम स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने क्या खाया, अभी मैंने चिप्स खाया, मैं चॉकलेट खाया, मैं कुछ और खाऊंगी, फिर हम इशर बीच पर जाके चाय और पनीर के पकौड़े भी खाएंगे और घर जाके कढ़ी चावल खाएंगे, क्योंकि जिस दिन मैं ट्रैवल करती हूँ उस मेरा मन ख़राब होता है, इसलिए माँ जी ने मेरे लिए कढ़ी चावल बनाया है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कढ़ी चावल, ठीक है। और हम वो खाएंगे, फिर हम आपको रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ों की क्या दुर्दशा है, अभी दुर्दशा है या सुदशा है। आई विल चेक एंड आई विल अपडेट यू। मैंने इन्वेंट किया है सुदशा वर्ड, वर्ल्ड नहीं वर्ड, ये नेहा की पिक्शनरी और डिक्शनरी का वर्ड है। बाइक में स्वीच, अब मैं पनीर के पकौड़े खाऊंगी। गर्मी थोड़ा मौसम बहुत अच्छा, मुझे ऐसा मौसम पसंद है, गर्मी शिमला में बस गर्मी नहीं होनी चाहिए। मुझे बिना देखे सड़क क्रॉस कर दे, थोड़ा कमेंट में इनको बोल दो सड़क क्रॉस करते हुए इधर उधर देख लेना चाहिए। हम मिठाइयाँ लेने आए हैं, क्योंकि हमें घर पर मिठाई लेके जानी है, क्योंकि माँ जी की रिटायरमेंट है इसलिए। तो अभी हम ईश्वर स्वीट्स पर आए गाइस। स्वीट्स गाइस, एवरीबॉडी इज लव इज ईश्वर स्वीट्स। पेठा 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 पेठा, नहीं आपको गुलाब जामुन, यहाँ पे घेवर भी मिला, तो हमने घेवर भी पैक करा लिया, बिकॉज आई लव घेवर, घेवर इज माई फेवरेट। एंड हमने इतनी सारी मिठाइयाँ ली है। पकौड़ा इज हियर एंड वैभव इज रेडी टू बिकम अ पकौड़ा आफ्टर ईटिंग दिस। बहुत ज्यादा अभी धुंध धुंध सी है, अंधेरा हो गया, शिमला की लाइट। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं शिमला और बहुत ठंडा मौसम है, तो आज अच्छा लग रहा है और आज ना मन भी खराब नहीं हुआ गाइस फॉर अ चेंज। और अब हम पहुंचने वाले हैं, बस घर जाके बात करते हैं। बाय गाइस बाय गाइस बाय गाइस।
have reached और आप हवा में देख सकते हैं वो ये clouds है क्या है? Fog है guys, fog. Fog है guys, mist है. Mist is in the air. Misty air guys, misty दो ही खा गए इस बात पे. और यहाँ पे बहुत ठंड है guys. बहुत ठंड है मतलब ठंड है यहाँ पे. ये Oberoi's है ना? नहीं Clarks है. क्या नाम है इसका? Cecil Oberoi's था वो. Okay guys, bye bye. Webhub is driving very fast guys. Doggy, side ho ja, hat ja.